नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति और शिक्षक भर्ती एक बड़ा सवाल जिसको लेकर बेरोजगार परीक्षार्थी बड़े असमंजस की स्थिति में। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञानधर हरसोली चैनल और आज आपके इस बड़े सवाल का जवाब इस वीडियो में देने वाले साथियों, देश भर से बेरोजगार परीक्षार्थी जो शिक्षक बनने का सपना देख रहे थे, इस बात से राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति के संदर्भ में जो मानव संसाधन विकास मंत्री जी थे कि उनके द्वारा दिया गया बयान कि IAS जैसा कठिन हो जाएगा शिक्षक बनना, नींद उड़ा रखी। लेकिन साथियों, आखिर इसकी सच्चाई क्या है, इसी का समाधान आज इस वीडियो में करने वाले हैं। जो साथी पहले बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको बता दें कि ये राजस्थान सहित देश भर के जो भी बेरोजगार परीक्षार्थी हैं, शिक्षार्थी, उनको समर्पित चैनल है। इसमें हम आपकी शिक्षा से जुड़ी हुई BSTC, PTT, रीट, कॉलेज और स्कूल से जुड़ी हुई जो भी प्रॉब्लम है उनका समाधान करते हैं। यदि आपकी भी इससे जुड़ी हुई किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट के आधार पर हम आपकी समस्या के समाधान का पूर्ण प्रयास करेंगे। साथियों, सबसे बड़ा सवाल है कि नई राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति होगी उसमें शिक्षक भर्ती के संदर्भ में काफ़ी बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। इसमें जो बड़ा बदलाव मैं आपको बता दूं कि जो डेमो क्लास और इंटरव्यू है इसके आधार पर ही शिक्षक भर्ती होगी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो मॉड्यूल है उसमें स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक 5 साल के बाद में प्रत्येक शिक्षक को डेमो क्लास और इंटरव्यू देना भी होगा। अब इसके विरोध में जो संगठन है वो ये विरोध कर रहे हैं कि इससे जो भाई भतीजावाद है और भ्रष्टाचार है उसको बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि RPSC भर्ती में भी इससे पहले जो हेडमास्टर और व्याख्याता के लिए इंटरव्यू होते थे, भ्रष्टाचार की वजह से उसको भी अब ख़त्म कर दिया गया है। साथियों, विद्यालय में SMC और SDMC के अलावा एक कमेटी और बनाई जाएगी जो इस डेमो क्लास और इंटरव्यू का निर्णय करेगी। ये तो तय है कि इसके द्वारा डेमो क्लास और इंटरव्यू से शिक्षक भर्ती काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगी और इसमें जो भ्रष्टाचार वाली जो बात है वो सही भी साबित हो सकती है। लेकिन जो बड़ी बात है कि क्या राज्य सरकारें नई राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति इसको अप्लाई करेंगी। देखिए साथियों, आप देख सकते हैं कि इसमें शिक्षा विभाग में काफ़ी बड़े बदलाव किए गए हैं जिनमें मुख्य रूप से शिक्षक भर्ती और शिक्षकों को लेकर हैं। लेकिन आप स्पष्ट रूप से इस बात को समझ लें कि ये जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, राज्य सरकारें इसको 100% लागू करने वाले नहीं है। प्रत्येक राज्य सरकार इसमें अमेंडमेंट ज़रूर लेकर आएंगी और अपने स्तर पर जो शिक्षक भर्ती है उसको सरल करने का प्रयास ज़रूर करेंगी, क्योंकि साथियों लोकतंत्र के अंतर्गत राज्य सरकारों के लिए मजबूरी है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जैसे ही इस नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी तो उसके बाद से काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट इनका विरोध कर चुकी हैं और ये भी बात स्पष्ट हो चुकी है कि जो थर्ड लैंग्वेज है मातृभाषा की, उसके ऊपर भी बयान आ चुका है कि ये किसी भी राज्य के ऊपर अलग से थोपी नहीं जाएगी। जो भी साथी शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, आप बिल्कुल भी विचलित ना हों, चिंतित ना हों। शिक्षक भर्ती में जो बड़े बदलाव किए जाएंगे उनमें विशेष तौर पर इंटरव्यू हो सकता है लागू ना किया जाए। हाँ, इतना ज़रूर है कि डेमो क्लास रखी जा सकती है लेकिन उसका वेटेज बहुत ही कम रखा जाएगा। रिटर्न जो टेस्ट है उसी का फॉर्मूले को लागू किया जाएगा। बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, टीचर बनने के लिए जो आपकी पात्रता परीक्षा होती थी और इसके बाद में जो शिक्षक भर्ती होती थी, पैटर्न यही रखा जाएगा। हो सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को फॉलो करते हुए केवल इतना रखा जाए कि इसको मात्र कुछ परसेंट में ही सीमित कर दिया जाए, जैसे कॉलेज लेक्चर के लिए 5% के अंतर्गत इंटरव्यू को रखा गया है। साथियों, आपको मालूम होना चाहिए कि RTE के तहत भी जो विद्यार्थियों को पास करने का नियम था उसमें भी बहुत से स्टेट गवर्नमेंट अमेंडमेंट ला चुकी हैं और अब इसको बोर्ड परीक्षा के माध्यम से भी करवाया जा चुका है। तो इसलिए आप बिल्कुल भी अभी विचलित ना हों, स्टेट गवर्नमेंट ज़रूर अमेंडमेंट लेकर आएंगी और अपने जन आधार को देखते हुए जो सुविधाजनक होगा उसी नियम को अप्लाई किया जाएगा। राष्ट्रीय जो देश के सेंट्रल गवर्नमेंट के जो बनाए हुए नियम हैं वह हूबहू लागू नहीं किए जाएंगे। तो साथियों, ये बड़ी अपडेट थी, बहुत से साथियों की कमेंट आ रही थी इसको लेकर कि नई शिक्षा नीति में जो शिक्षक भर्ती उसमें क्या बड़े बदलाव होंगे, क्या कठिन होगा, क्या सरल होगा। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, जो बड़े बदलाव हैं वो बहुत ही कम आपको देखने को मिलेंगे। बस इतना ज़रूर है कि इंटरव्यू के बजाय डेमो क्लास को बहुत कम वेटेज में रखा जा सकता है।
फिर भी इससे जुड़ा हुआ यदि आपका कोई क्वेश्चन है, समस्या है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी उस समस्या के समाधान का भी पूर्ण प्रयास किया जाएगा। शिक्षा और रोजगार से जुड़ी प्रत्येक अपडेट लगातार आप तक पहुंचते रहे, एक भी वीडियो आप मिस ना करें, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। क्योंकि साथियों, इस चैनल पे ऊपर केवल आपकी शिक्षा और रोजगार से जुड़ी हुई जो भी समस्या है उनका समाधान किया जाता है। 24 आवर आपके जो समस्याएं हैं उनको देखी जाती हैं, और उसके आधार पर जो बेरोजगार परीक्षार्थी हैं उनकी आवाज़ को, उनकी समस्या को सुलझाने का प्रयास किया जाता है। आज की इस वीडियो में साथियों, बस इतना ही। नमस्कार।